हाँ तो गेम चालू करते हैं। एपिसोड सेकंड है पोकेमोन एमेरल्ड का। वैसे रेंडमाइजर है और नजलो के आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि अपने टाइप भी पोकेमोन टाइप भी रेंडमाइज है और उसके मूव सेट भी रेंडमाइज है और मूव सेट के जो वो मूव सेट भी रेंडमाइज ही है। जैसे कि एक फाइटिंग टाइप रहता है जैसे कि मार्क पंच, तो वो यहाँ पे घोस्ट टाइप है तो ये इसे रेंडमाइज है। और नाम तो अपन को रखना ही है नज़लोक है। तो पहला पोकेमोन डाई पकड़ना है, पहला पोकेमोन पकड़ना है हमेशा किसी भी रूट का। और कोई पोकेमोन अपनी टीम में मर गया तो वो डेड पोकेमोन के लाएगा। तो अपन स्कोरिंग नीचे है तो अभी 0 है, कोई भी पोकेमोन मरा नहीं है। पकड़ा भी कौन सा है अभी पकड़ेंगे, देखते हैं कौन सा पकड़ेंगे अपन, क्योंकि अभी ये नया रूट है तो यहाँ जाएंगे अपन। तो पहला पोकेमोन आया है ऑक्टिलरी, तो इसे बिना डैमेज दिए पकड़ेंगे। हाँ बिना डैमेज दिए पकड़ेंगे, सेव कर लेते पहले क्योंकि रिस्क ना लेना। बिना डैमेज दिए पकड़ना है, नहीं पकड़ा रहा पहले, कोई बात नहीं। 7 पोके बोले 16 दिए, वैसे भी अटैक तो कर नहीं सकते। चलो ट्राई करते हैं, ओ एक बार ट्राई कर लेते हैं। वाटर पल्स है मतलब इसके पास, बंदे के पास वाटर टाइप अटैक तो है अच्छे से। और ये पोकेबॉल फेंकी, ओह तो चलो ऑक्टेलरी अपना पोकेबॉल बन चुका है। इसका नाम अब अपन रख देते हैं क्या रखे ऑक्टेलरी का नाम, चलो ये वाटर टाइप पोकेमोन ऑक्टेलरी तो उसका नाम अपन चलो एक बार रख देते हैं अच्छे से। एक बार नाम से रहेगा तो ए क्यू स्मॉल लेटर में लिखेंगे कि क्यू क्यू स्मॉल लेटर में आ जाएगा। और यू, अरे एक का नहीं, एक का मैंने रख तो रहा हूँ, रखी तो इतना अच्छा ही नाम है। वैसे भी रेंडमाइजर है मेरे नज़लों के तो रखना पड़ेगा नाम तो वो। पर एक बात याद आ रही है मेरे को, एक बार नाम तो रखा मैंने पर यहाँ तो टाइप ही अलग होते ना, वो वाटर टाइप तो है नहीं ना यहाँ पे। तो ये अजीब से आवाज़ निकाल रहा गाय जैसे, जैसे गाय आती हूँ। हाँ ले ले रोटी खा ले। अरे यार तो सो रहा है, अरे क्या रोटी खिलाऊंगा मैं से सो। ये रोटी का तो मोगी है अभी बनी नहीं शायद तक, तो एक काम कर ले तो रोटी की जगह अटैक खा ले। अच्छा थैंक यू यार, पानी फेंक रहा तो उसको उठाने के लिए, मतलब मेरा साथ दे रहा तो चाटा मार रहा उठाने के लिए, उठा के रहे मतलब मेरा दोस्त था ना तू एक्सप्लोड। पर क्या करूँ रहता है, पकड़ नहीं सकता मैं। कलर चेंज कर लिया एक्सप्लोड बॉय, मतलब तेरे पास भी एबिलिटी आ रही है मतलब एक्सप्लोड है। मजाक कर रहे हैं, वैसा मजाक कर रहा, चल निकल। चलो कोई बात नहीं यार, अपनी गाय मतलब विदेशी गाय मर चुकी है, उसकी आवाज़ ऐसी निकाल रहा हूँ मतलब अजीब ऐसे नहीं मतलब आवाज़ ऐसी कुछ निकाल रहा, गाय जैसी थोड़ा बहुत। तो चलो अपन अपना पहले एक कुआ को भी ट्रेन कर ही लेते हैं। बेचारा 3 लेवल पे मतलब 3 लेवल है इसकी, लेवल 3 पे क्या किसको मारेगा है, इसलिए अभी पहले इसको लेवल 5 तक तो इसको स्विच बैटल करा करा के अपन ट्रेन कर लेते हैं। और मुझे यकीन है मेरा ब्लास्ट नहीं मरने वाला, ब्लास्ट एब्जॉर्ब तो मारेगा। चिंदी बस 1 का डैमेज दे रहा है, 1 का। अरे हमारे पास पॉइजन टेल है, तू बात करे बेकार की। वैसे अभी तक मैंने देखा नहीं एक्वा की टाइपिंग कौन सी है, पर देख ही लेंगे अभी। ट्रेन तो कर ले उसको ठीक से, और इस गेम में याद रखना पड़ेगा यार कौन कौन सा पोकेमोन की कौन कौन सी टाइपिंग है अपने, क्योंकि अपन की टाइपिंग याद नहीं रहेगी, अपन ने किसी और को मार दिया ना गलती से भी मतलब अलग पहुँचा दिया अपन ने फाइटिंग के लिए, और सामने वाला पोकेमोन एडवांटेज होगी मारने के लिए, तो फिर अब मार सकते अपन नज़लोक है। मेरी विदेशी गाय विलाती गाय मर जा बेटा, ऐसे नखरे नहीं करना, मर जाया कर थोड़ा आराम से।
होपी, ये होपी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेवल 4 का हूँ मैं, फिर मार दूँ होपी पे तो कर ही नहीं सकता कुछ। रुक जा देखने दो, यहाँ पे क्या कहते हैं एयर टाइप मूव कौन सा है, मतलब फ्लाइंग टाइप। अच्छा बाइट फ्लाइंग टाइप मूव, जो फ्लाइंग टाइप मूव रॉक टाइप मूव है। अच्छा वाटर पल्स तो वाटर पल्स ही है, मतलब वाटर टाइप मूव ही है। और हिप्नोसिस भी फ्लाइंग टाइप मूव, वाह क्या रैंडमाइज़ है। वन का डैमेज दे रहा नहीं, वन का तो उसके स्किन का डैमेज था यार, वो टच करा इसलिए। इतना तो ख़त्म ही करता खेल ही, 8 तक डैमेज दिया ये नज़लोके। ऐसा मत बोल खेल खत्म हो गया तो RIP हो जाएगा। RIP वैसे अपना पहला पोकेमोन तो जिसको पकड़ना चाहते थे, पर वो RIP निकल गया। अपना क्या नाम था उसका, उड़ने वाला पक्षी, पक्षी तो उड़ता है डेली बर्ड, हाँ क्रिसमस सेंटा, पकड़ना चाहते थे बेचारे को। वो भी आना चाहता होगा बेचारा कि मैं तो आ रहा हूँ तेरी टीम में, पहले हिट में निकाल दिया उसको तो क्या करे। मैं पिकअप आइटम्स, वाह पिकअप एबिलिटी है इसके पास, गजब। अब इसकी पिकअप एबिलिटी अपने काम भी आ सकती है, कुछ ना कुछ आइटम तो पिकअप कर ही लेगा है। एक वाह, और तो पहले नहीं आया समझ नहीं आता तेरे को, पहले तू आता तो मैं तेरे को पकड़ता। एक हेरा क्रॉस होता है ऐसे, मैं हेयर एक क्रॉस देख रहा हूँ, देखो एक क्रॉस और हेयर, बस को अपन सब एनीमे में तो हेरा क्रॉस ही बोलते हैं ऐसे। दो हेरा क्रॉस भी सही, हेरा और वहाँ पे क्रॉस, एक क्रॉस भी है। ज़्यादा इंग्लिश इंग्लिश निकालने चलो, नहीं तो लोग बोलेंगे उसको पढ़ना ही आता। हेरा क्रॉस को हेयर एक क्रॉस बोल रहा, हर एक क्रॉस, हर मतलब लड़की आता और एक क्रॉस, क्या काम ज़्यादा इंग्लिश निकालना। ऐसे लड़की है ना, हाँ लड़की लगे, मेरे को याद नहीं एक कौन सा जेंडर लड़की, शायद तक लड़की कहते थे। लड़का ऊपर वाला साइन ब्लू वाला लड़का होता है शायद तक, मुझे याद नहीं है। फिर तो मेरे दोनों पर कौन लड़की है, ब्लास्ट और एक्वा, कोई बात नहीं। गर्ल्स पावर सो पावरफुल, गो बहुत पावर इन लोगों के पास, रेंडमाइज्ड पावर एक्सट्रीम वाली, एक्सट्रीम रेंडमाइजर। भगना तो सीख ले पहले, अजीब सा भग रहा है रनिंग शूज पहन के। अच्छा 25 मिनट, वैसे मैंने दोनों वीडियो साथ में रिकॉर्ड करी थी, फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड, कट कट करके डबल एपिसोड बना दिए। कोई बात नहीं चलता है अपनी ज़िंदगी में। ये क्रोबेट और इन दोनों की मैच, 6 लेवल का पोकेमोन बस है, 5 लेवल का पोकेमोन पर हमने क्या हो गया, मतलब कौन सी बीमारी चढ़ गई इनको। अभी देखा तुमने ट्रैपिंस का, देखो बीमारी बताएंगे अभी। ए कोई यार, पहले फाइट कंप्लीट करेंगे शायद तक। चलो फिर दूसरी फाइट में बता ही देंगे, बताना पड़ेगा बीमारी कैसे चढ़ गई ट्रैपिंस को। सोच गया था ना पहला बैटल में, पहले फर्स्ट एपिसोड में उसका मुँह ट्रैप इंच का, वो उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक पड़ा था जब मैं के उसने क्या नाम, मेरे को नाम याद नहीं रह रहा उस पोकेमोन का, मधुमक्खी ने मैं की वो मधुमक्खी पोकेमोन ने क्या मारा था। वाह लेवल 8 का हो गया, वेल ट्रेंड बेटा वेल ट्रेंड। अच्छा मैंने तेरे को ट्रेन कर याद रखना, तेरा मास्टर मैं हूँ। नज़ल होके ज़्यादा दूर वूर मत चल जाना मुकाबला करते करते, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं आएगा। सी यू अगेन, 102 रूट। पिकअप एबिलिटी, इधर उधर घूमेंगे तो एक का कुछ पकड़ ही लेगा। सेंट क्रेडिली, वाह क्या बक टाइप पकवान भेजा है, ये बक टाइप ड्रोको ग्रास टाइप पकवान था ऐसे तो, पर शायद तक इसकी अब टाइपिंग चेंज कर दी उन लोगों ने। एक्सट्रीम रेंडमाइजर कुछ नहीं कह सकते। एक वाह 171 XP मैजिका, ये तो टट्टी है। वैसे मैं सुलह कर रहा हूँ, बिना सुलह मार दूंगा एक अटैक में,
चलो वाटर टाइप पोकेमोन, इसलिए वाटर टाइप हटेगी करते हैं। सुपर इफेक्टिव मिट्टी का तो सच्चे में टट्टी है, मतलब वाटर टाइप अटैक सा मार रही है खुद के, मतलब उसकी तो यार टैपिंग अलग ही होगी वैसे मैजिक आपकी, पर रियल में तो वाटर टाइप ही है। क्या कर सकते हैं ए ऑक्टोपस, क्या कर रहा तू तो? अरे यार इसको भगा रहे यार, खावा नहीं जाए कोई चाइना वाला यहाँ पर आ जाए तो, पहले कोरोना वायरस फैला रखा उन्होंने किधर जानवर खावा के। क्या जरूरत थी वुहान शहर में वो बाजार बनाने की जहाँ पे वो बेट पड़ा था जिससे वो एक आदमी में फैली कोरोना, कोरोना कोई रोड पर ना जाना। मोदी जी का ने बनाया फुल फॉर्म अभी, चल कोई बात नहीं कोरोना तो जाता रहेगा ऐसे वैसे, तुम सिक्योर रहना बस घर पे अच्छे बैठे रहना, हाथ वाथ धोना, सुबह उठते जल्दी ना लेना, वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया। सिक्योर बी सिक्योर फ्रॉम कोरोना और डरो ना। एक को गेंड 171 एक्सपी पॉइंट 171 भाई गेन रहा है, मतलब 171 ही मिल रहा है मतलब पॉइंट तो एक्सपी। चलो तो इसने ट्री को भेजा था, वैसे ह्यून का मेरा फेवरेट स्टार्टर है, अभी रेंडमाइज होता तो मैं ऐसे ही चुनता, पर कोई बात नहीं रेंडमाइज है हमने इसको चुन लिया। ट्रापिंच को ब्लास्ट ब्लास्ट कर दिया इसने तो, कहा था ब्लास्ट पॉइजन टेल लॉस्ट ऑल इट्स, उसने वो जने क्या एरर्स जने कौन सा अटैक करा था जिसके वजह से पूरी पीपी खत्म हो गई हमारे इस मूव की, जो भी कौन सी मूव थी पॉइजन टेल याद आ गया नाम, बारह भूलने की आदत हो रही है। पॉइजन टेल रॉक टाइप मूव कुछ नहीं है, पॉइजन टेल रॉक टाइप मूव, पॉइजन टाइप नाम पॉइजन टेल है पर रॉक टाइप मूव है, आदत डालनी पड़ेगी। पूरी ओरन बेरी है इसमें, ऐसा तो नहीं कि बेरी भी रेंडमाइज है, ओरन बेरी कुछ और कर रही है मतलब पेचा बेरी कुछ भी नहीं आता। इससे भी फाइट करते हैं या फिर अपनी सिटी में पहुंच जाएंगे अपन, जहाँ पे अपने डेट की जिम है जो सिक्स जिम है जिसे अपन को बाद में हरानी है। जेप्टोस और लेजेंडरी पोकेमोन आ चुका है जेप्टोस, कितना खतरनाक कितना डैमेज देने वाला है पोकेमोन अपन को, कितना डैमेज देगा जेप्टोस तो हमें बता। जेप्टोस वाटर पल्स ही करेंगे इलेक्ट्रिक टाइप का, क्या है ये जेप्टोस तूने ये क्या किया, तेरा ट्रेनर क्या बोलेगा कि मैंने इतनी मेहनत से जेप्टोस लाया पकड़ा और जेप्टोस ने तो हक दिया कुछ नहीं कराया जेप्टोस ने, क्या नर्स जॉइन तक छुट्टी देती क्या ब्लेसी, यहाँ हील करने जगह यहाँ पे तो मेरे से लड़ना की ऊपर अच्छी यार। जेप्टोस तो एक अटैक मर गया था, तो एक अटैक उसने अटैक ही झेल लिया, वो भी अटैक झेला नहीं कितना इसने तो और अटैक दे जा रही मतलब वो भी ख़त्म होगी। पहले बाट कलर ने बाइट अटैक करना चाहिए था, अब सिल्वर विंड आ चुका है इसका डैमेज तो है, तो अपन डायरेक्ट ही हिप्नोसिस हटा देंगे, थोड़ा बहुत सोच लेते यार। सिल्वर विंड हटा रखे वैसे 5 पीपी एस का, पर 5 भी होगा इसका तो 60 एक्यूरेसी है बहुत इसलिए अपन तो वो सिल्वर विंड रख लेते हैं। और प्लेयर डिफीट आई एंडेड अक्षय गॉट 664 पॉकेट डॉलर्स, और यहाँ पे भी एक पोकेबॉल होगी, क्या लेना है इसमें सुपर पोशन थैंक यू। अच्छा उम्मीद है सुपर पोशन मिल चुका है अपन को, हो कितना क्यूट है, हम तेरे को मारेंगे नहीं डायरेक्ट उड़ा देंगे, उड़ जा उड़ गया ना दिखाई नहीं दे रहा ऐसे उड़ ज़्यादा दूर गया, डेड बॉडी भी नहीं दिख रही। और अब चलो पीसी में हेलो वी रिस्टोर, हाँ रिस्टोर करो, मैंने बोला था ना अगली बार मैं आऊँगा तो ज़्यादा बहुत मन रहेंगे अपने पास। तो अब अपना एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और